हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप ये जो देख रहे हैं डिश, डिश क्या होता है, हमारा काफ़ी जाम हो जाता है और इससे हमारी क्लच पेट जल जाता है और रास्ते में भी जाम हो जाता है अचानक। तो हम तब हम हथौड़ी मारते हैं तब ये डिश फ्री होती है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है और आपको बोलता है कि डिश, मिस्त्री भाई बोलते हैं चेंज कर दो, ये कर दो, रबड़ बदल दो, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। और आपको फ्री फ्री में करके दिखाऊंगा और 100% पे गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ ये डिश सही होगा और आपके लिए हमेशा के लिए ये वीडियो काम में आएगा। क्योंकि मैं इस तरह डिश, ये जो हमारा जाम रहता है गुल्ला, मैं उसे निकाल के दिखाता हूँ। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि गुल्ला कितना जाम रहता है, मैं कितना ठोकना पड़ता है तब ये बड़ी मुश्किल से निकलता है। लेकिन ये मुश्किल हमारा जो आसान करता है, ये 12 नंबर का जो ख़राब गोटी है हमारा, इससे हम निकालते हैं। इसलिए कि और हमारा कोई सहारा ही नहीं निकालने का, उल्टा पिलास से भी ये नहीं निकल पाता है। इसलिए 12 का गोटी आप रखें ख़राब गोटी को और आगे से उसका मुँह चौड़ा करके उसके बाद इसको ठोकें। तो हम इसी गोटी के सहारे से टोटल डिश को सही कर लेते हैं और हमें काफ़ी आसान होता है निकालने में। हमें कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, ना उल्टा पिलास का सहारा लेना पड़ता है। तो हमारे लिए काफ़ी आसान बन चुका है डिश सही करने का। तो आप भी ऐसा 12 का गोटी रखें, फेंकें नहीं, वो डिश के काम में आएगा और आप ख़राब से ख़राब डिश को इसी तरह रिपेयर करते रहेंगे। तो आप देखिए मैं कैसे उसी गोटी से खोलता हूँ और लगाता हूँ। आप देख रहे हैं कि अब मेरा ये निकल गया। और देखिए इसमें चार रबड़ होता है डिश के अंदर, जो है यही चार रबड़ होता है। बहुत सारे मिस्त्री भाई इसको खोल के साफ़ करके लगाते हैं, कोई इसको चेंज कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, इसको साफ़ करना तो ज़रूरी है पर मैं इसको चेंज भी नहीं करूँगा और मैं इसे ही रिपेयर कर।
तो अब हम क्या करेंगे, इस रबड़ को लगाएंगे और रबड़ को लगा के हम दिखाएंगे कि हमारा ओवर साइज तो न रबड़ तो नहीं ना हुआ है और हमारा गुल्ला मतलब इसके अंदर फ्री घुसता है कि नहीं। वो देखिए हम ये गुल्ला घुसाएंगे, ये नहीं घुस रहा है, बहुत टाइट लग रहा है। तो देखिए जाता नहीं है जल्दी, यही तो प्रॉब्लम है डिस्क का। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के हम इसे काट देंगे। आप टेंशन मत लीजिए कि हम काट रहे हैं तो कोई दिक्कत हो जाएगा, रबड़ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, टेंशन लेना है। आप इसको काटिए और सीधा इसको लगाइए गुल्ला, फिर लगा के देखिए आप एक रबड़ लगाने के बाद गुल्ला को। ये हमारा गुल्ला बिल्कुल फ्री जाने लगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से जाने लगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे को भी काट देंगे। इससे क्या होगा, हमारा डिस्क जाम नहीं करेगा। और जैसे हम रिंग को लगाते हैं पिस्टन में, उसी तरह एक का कटा हुआ मुंह ही साइड रहेगा लेफ्ट, एक का रहेगा राइट, उससे हमारा ऑयल कभी लीक नहीं करेगा पिस्टन से। बिल्कुल एकदम आसान हो गया लगाना हमें, इतना आसान हो गया। आप देख ही रहे थे कि लगाने वक्त हमारा हालत ख़राब हो गया था खोलने के वक्त, तो अब हम लगाते हैं कितना आसानी से। दोनों डिस्क के साथ ऐसे ही कर लेना है आपको, दोनों पंप के साथ, एक को जैसे एक को हम लगाए काट के, दूसरे को भी लगाए काट के, उसी तरह इस साइड भी करना है।